कुछ मिला है, कुछ मिला है इनको। लेट्स गो, लेट्स गो। गो गो गो, समथिंग इज गो गो। यामो कुछ यामो। ओह देखो ये बबून हंटिंग, फाइनली इन्होंने बबून हंटिंग कर लिया भाई। मैंने पहले बताया था बबून इनका टारगेट होता है, और बहुत तेज दौड़ लगानी पड़ी है कांटों के बीच से। देखते हैं। और यार कांटे हो रहे, देखो जगह जगह ब्लड तो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है इधर। ये लोग कुछ ना कुछ उसको हिट करेंगे और फिनिश। बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, देखो वो बंदा भी नहीं आ पा रहा अभी तक। पूरा डेंस है जंगल, और लाइव लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। ये आ गया, ये आ गया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसका हंट कर लिया है। अभी आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो बंदा है ना, ये अपने एरोज को रेडी करना है मॉर्निंग में, ताकि ये जाके फिर इन्हीं एरोज से मतलब हंटिंग कर सके। और इनके डॉग्स इनके बिल्कुल साथ हैं, इसका दोस्त भी बैठा है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है कि मॉर्निंग में ये लोग आग जलाते हैं। रात भर यहाँ पर इतनी तेज हवा ठंडी चलती है ना, मैंने भी हल्का सा जैकेट इसलिए डाला हुआ है, हालत ख़राब हो जाती है इसलिए। ये देखो इनके पास में पूरे कपड़े भी नहीं होते, कुछ टूरिस्ट आते हैं तो इनको ये टी शर्ट वगैरह दे जाते हैं, नहीं तो ये जो चमड़ी होती है ना जो हंट करते हैं वो पहनते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा मतलब इतनी सर्दी नहीं लगती, ये सर्वाइव कर जाते हैं हर क्लाइमेट में। बट मॉर्निंग में फिर भी हंटिंग पे जाने से पहले ये अपने आप को गर्म करते हैं जो ये आग जलाते हैं। और छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे रहते हैं, दो लोग जैसे इधर बैठे हुए हैं, कुछ लोग उधर बैठे हुए हैं। इनसे भी इंट्रोडक्शन कर। आपका नाम है सुनील? कोकोंजा। कोकोंजा, गुड। सुनील सुनील भाई, इनकी जो लैंग्वेज होती है ना वो पूरी क्लिकेबल लैंग्वेज होती है, तो मेरे तो मतलब समझ से बाहर होती है, समझ भी नहीं सकते इतने जल्दी। वो एक बहुत लंबा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, बट बाई बॉडी लैंग्वेज बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं मेरे को। तो मैं ट्राई करता हूँ कभी भी बाहर जाता हूँ किसी भी ट्राइब के साथ में, किसी भी देश में नए लोगों के साथ जिनको अपनी लैंग्वेज नहीं आती है, तो मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि बॉडी लैंग्वेज से मैं कुछ समझने की कोशिश करूँ। और अभी मेरे पास में ना गाइड है ना कुछ है, मैं अकेला हूँ, फिर भी मैं इनकी बहुत सारी चीज़ें समझ रहा हूँ। और ये देखो नए हंटर आ चुके हैं, नए बच्चे आ चुके हैं जो टीम में प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। ये सुबह सुबह क्या हंट ले आया भाई। सुनील सुनील, ओके, ये नया हंटर है, इसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं, आज तो एनर्जी लगाएगा भाई। ये देखो स्किन पहन रखी है इसने, बबून 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 स्किन, बबून बबून बबून, ये बबून की स्किन है जो इसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पहन रखी है। ऐसे ही इसने हिरन वगैरह की पहन रखी है, और उसने तो पता नहीं लोमड़ी वगैरह चीता टाइप में लग रहा है उसकी स्किन पहन रखी है। इसने भी पहन रखी है, देखो तब भी हम गो गो तब भी हम को तेंगो आका कुकु तब। हर जाबे ट्राइब में ऐसा ही होता है कि दोस्त मतलब जो लोग होते हैं ना अपनी मर्जी से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में माइग्रेट हो सकते हैं। तो हेयर इज नो 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 माई फ्रेंड, मैं जब भी आता हूँ ना तो सबसे पहले मैं इसी से मिलने का ट्राई करता हूँ, इसको देखता हूँ कहाँ है, ये मेरे को देखते ही आ जाता है। थॉमस ब्रदर,
आप खानुआ को बिता थे बाला को ये बोल रहा है कि मतलब दो तीन तीन दिन पहले तीन दिन मेरे को रेस्ट लेना पड़ा था भाई, मेरे को पैर में बहुत तगड़ी मोच आ गई थी, गिर गया था इनके साथ दौड़ते दौड़ते। तो उससे पहले इसने मेरे लिए हनी निकाला था पेड़ काट कर, तो उसके लिए बता रहा है ये। और ये देखो सुबह सुबह अपने आप को गर्म करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये सस्ता वाला नशा भी करते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा। सो भाई हरजाबे ट्राइब के साथ हमारी हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप देखो कितने सारे डॉग्स हैं और सरदार की तरफ से ग्रीन सिग्नल इनको मिल चुका है, फुल जोश के साथ हैं भाई। आज सबसे पहले मॉर्निंग में मैं इतनी रात को इसलिए आया था क्योंकि जो सबसे पहले आता है ना उसको एक एडवांटेज होता है कि सारे डॉग्स उसको मिल जाते हैं, उस ग्रुप को जिसके पास सबसे ज़्यादा डॉग्स रहेंगे ना उसके पास में सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं सबसे बड़ा हंट करने का। और आज हमारे पास में है सबसे ज़्यादा डॉग और हम सबसे पहले हंटिंग पे निकले हैं, तो देखते हैं, तो चांसेस पूरे पूरे हैं सबसे बड़ा हंट मिलने के, देखते हैं क्या होता है आगे। नो 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 लीड कर रहा है आज फिर से भाई, तीन दिन पहले भी इन्होंने किया था, तब हनी के लिए किया था, आज हंटिंग के लिए जा रहे हैं। और मेरे पीछे जितने भी हंटर्स हैं ना सारे न्यू हैं आज इस ग्रुप में। पहाड़ी की चोटी पर आ चुके हैं यार और ये लोग मेरे पीछे बैठे हैं। मॉर्निंग हंट में ये लोग काफ़ी सारी प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हंटिंग पे निकलते हैं। अब मैं 10 किलोमीटर चलते ही बोलूँ कि रुक जाओ तो इनका मोटिवेशन डाउन होता है, इनकी एनर्जी डाउन होती है और हो सकता है इनको हंट ना भी मिले उस डे। सो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ये फास्ट चल रहे हैं उतना ही फास्ट मैं चलूँ। अभी ये लोग अपने आप को एनर्जी दे रहे हैं इतना चलने के बाद में। ये इनके सबसे बड़ी एनर्जी, ये इनकी सबसे बड़ी एनर्जी, जहाँ भी थक जाते हैं उसके बाद ये लोग ये लेते हैं। और फिर से ये लोग देखो ये स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे को भी अभी थोड़ा रिलैक्स मिला, थोड़ा टाइम लेने के बाद में बिल्कुल चोटी पे आ चुके हैं। सब नीचे दिख रहा है इनका जंगल जहाँ ये लोग रहते हैं, और इन घनी पहाड़ियों में हम हंटिंग के लिए निकल रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मैं तो इतना क्यूरियस हूँ नहीं कि मिले ही हंट, मैं तो जस्ट वे ऑफ लाइफ देख रहा हूँ इनका, एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि किस टाइप से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं। अब ये मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हंट कर रहे हैं, इनका काम ही हंटिंग करना है, डेली हंटिंग करते हैं, उसी से खाते हैं पीते हैं, उसी से इनका सर्वाइवल होता है। कुछ मिला है, कुछ मिला है इनको, लेट्स गो लेट्स गो। क्या था, कुछ तो है, दौड़ लगाते हैं इनके पीछे। गो 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 समथिंग इज, गो गो। लाइव लाइव हंटिंग दिखाई मैंने आपको, अभी इन्होंने एक गिलहरी को मार लिया है भाई, बहुत ही डेंजरस था, इनको फॉलो करना मेरे लिए भी। और इन्होंने फाइनली हंटिंग कर, फर्स्ट हंटिंग कर ली है, छोटी है बट फर्स्ट हंटिंग कर ली है डे की। बमी या नो 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 सिंडिया सिंडिया सिंडिया। बबूंस के मार्क्स मिले इन लोगों को और ये उसी डायरेक्शन में जाने लग रहे हैं। इनका सबसे जो फेवरेट हंट जो होता है वो बबून ही होता है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि इनकी हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट रहता है, इनको सबसे पावरफुल बनाता है। एंड इनके कल्चर के अकॉर्डिंग भी कोई अगर बबून का हंट करता है तो उसी को ही अच्छा मानते हैं हंटर। तो चलो यही इनके संकेत होते हैं डायरेक्शन के कि किधर हंट मिलेगा। ये कुछ मार्क्स देख लेते हैं रास्ते, इधर इनको कुछ मिला है भाई, देखते हैं। आवाज तो दे रहे हैं, भाई
जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना बहुत तेज तेज, वहीं पर इस बंदे ने देखो कांटे इतने लग चुके हैं कई जगह पर, देखो ब्लड वगैरह आ रहा है और उलझ चुका हूँ मैं झाड़ी हूँ बिल्कुल। वही जहाँ से आवाज़ आ रही थी ना बहुत तेज तेज, वहीं पर इस बंदे ने देखो इनको यहाँ पर जो बबून है ना, बबून का बच्चा मिला है और इसका सिर्फ गर्दन गर्दन मिली है, बाकी इनके 15-20-30 कुत्ते हैं, उन्होंने इसको पहले फॉलो किया तो ऑलमोस्ट इसको कंज्यूम कर चुके हैं। और भाई मैं आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ कि इनको लास्ट हंटिंग ट्राइब के साथ में बबून हंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। जिस दिन इनको बबून मिल जाता है वो इनका बहुत ही बड़ा शिकार होता है। और आज के टाइम में आपको पता है, देखो सारी उंगलियाँ छिल गई मेरे अंदर से, पूरा फट गया टी शर्ट वगैरह, यहाँ भी बहुत लगी है अंदर भी, वो सब जाके डैमेज बाद में देखेंगे। गाइड ने बोला आंखें बचाओ, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हंटिंग हो चुकी है इनकी, मतलब नो दिस, ये बंदा देखो कांटे निकाल रहा है मेरे, बहुत लंबे लंबे कांटे हैं भाई यहाँ पर। और बबून हंटिंग का मिलने का मतलब होता है कि इनको सबसे बड़ा हंट मिलना उस डे का, और आज इनको बहुत ही बड़ा हंट मिल चुका। आप देख चुके हैं ये बबून का हंट था, बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन बबून हंटिंग मिल जाता है। सो थॉमस, बबून हंटिंग इज दी लाइक देयर आर ऑलवेज टारगेट, फर्स्ट टारगेट, देयर फर्स्ट प्रायोरिटी इज बबून। नो थोड़ा सा निराश है, पसीना आ रखा है बहुत तेज, बिकॉज इनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, कुत्ते खा गए सारे, बेचारे को पसीने आ रहे हैं बहुत तेज। ये बोल रहे कि ये कुत्ते खा गए भाई, बहुत ज्यादा मेहनत की यार इस शिकार में। मैं तो मेरे को पता नहीं था ये क्या शिकार है, मैं बहुत दौड़ा गिरा जंगल में, झाड़ियां फंस गई, इधर भी लगी है, सर में भी, हाथों में भी लगी, इधर बहुत तेज आवाज आ रही है, देखते क्या क्या मिला इसको। और इधर जा रहा हूँ, देखो ये बबून हंटिंग, फाइनली इन्होंने बबून हंटिंग कर ली है, हाथों में देखो ब्लड वगैरह जैसे नॉर्मली लगा ही हुआ है, पता नहीं कहाँ कहाँ, उस बंदे ने कांटे भी निकाले इधर से भी अंदर से भी, बहुत बुरी हालत है। चलो अभी के लिए इनको बबून हंट मिल चुका है, अब आगे का देखते हैं। देखो इस कुत्ते ने खाया है मैक्सिमम, जिसके ये ब्लड लग रहा है ना, इसने मैक्सिमम बबून खाया है, इसको भी देखो ब्लड लग रहा है, इसने भी खाया खूब बबून। बेस्ट जो चीज़ होती है ना, ये कभी भी डिमोटिवेट नहीं होते, इनके शिकार को कुत्ता खा गया कोई दिक्कत नहीं, ये चलते रहेंगे रुकेंगे नहीं। इधर बहुत तेज आवाज आ रही है, देखते क्या क्या मिला इसको। इधर बहुत तेज आवाज आ रही है, देखते क्या क्या मिला इसको। और इधर जा रहा हूँ मैं, देखो ये बबून हंटिंग, फाइनली इन्होंने बबून हंटिंग कर ली है भाई। मैंने पहले बताया था बबून इनका टारगेट होता है, और बहुत तेज दौड़ लगानी पड़ी है कांटों के बीच से। लिए भाई मैंने पहले बताया था बबून इनका टारगेट होता है, और बहुत तेज दौड़ लगानी पड़ी है कांटों के बीच से, आपने लाइव देखा होगा। फाइनली ये बबून हंटिंग हुई है, और भाई आज जैसा मैंने हंट इनका अभी तक नहीं देखा। आज सब कुछ किया इन्होंने, मल्टीपल बबून, छोटे छोटे और भी बहुत सारे हंट किए हैं, आज इनका डे बहुत लगी है, ही इज एक्सपर्ट गाय। Ukwabicha bota anobe. Kwete akaneta ichiko shogwe kota ikako ta anapila ntalanta bi. Kweso natu natu gweko akweso chi. Ta anapila ntalanta bi sa gili git iku. Jichi ini. कांटे लगे हैं। बबून एक बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, तो वो क्या करता है, नॉर्मल अगर एरो मारोगे, नॉर्मल एरो अगर उसको लगता है तो वो निकाल देता है उसको हाथ से, तो ये वाला तीर उसको मारते हैं तो वो वापस नहीं निकाल पाता, क्योंकि ये पूरे उसके शरीर को चीर देगा, उसकी जो भी अंदर होगा शरीर में जो भी अंग, वो उसके साथ में भी आ सकते हैं। और इसको दे देते हैं अभी,
इनके ये नहीं होता कि आज एक शिकार किया दो चलो घर चलो, ट्राई करते रहते हैं जितने मिलते हैं उतने ले जाते हैं घर के, जितने ज़्यादा ले जाएंगे उतनी इनकी तारीफ होती है और कबीले में इनका नाम होता है। अभी हम यार एक हंटिंग के लिए जा रहे हैं और स्मॉल जो अंटोला होता है ना उसका देखो, उसने अपनी टेरिटरी ऐसे मार्क कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं। When you carefully look around, you cannot see any food with such a blur. ये जो मार्क है ना ये रियल अंटोला का मार्क है कि मतलब वो अपनी टेरिटरी मार्क करते हैं, और जैसे मैंने दिखाया था ना जहाँ पर ये गोबर टाइप में जो कर रखा है वो दूसरे जो हंटर्स होते हैं और दूसरे जो जानवर होते हैं Can you see? Yeah, this one. Yeah, the black. Yeah. उनको कन्फ्यूज़ करने के लिए होता है वो, कि वो लोग आए और वो कन्फ्यूज़ हो जाएं कि हाँ ये नियर बाई है अंटोला, बट उसके नियर बाई नहीं होता। बट ये जो वाला जो केमिकल वो छोड़ के जाते हैं ना इन पे, मतलब टहनियों पे छोटा छोटा, ये उनकी टेरिटरी का रियल मार्क होता है जिसको अंटोला ही पहचानता है, स्मेल करता है, बाकी लोग इसको नहीं पहचानते। बट ये जो हंटर गैदर्स है ना आजकल इनको अच्छे से पता चल गया है कि ये रियल मार्क है वो फेक है, कन्फ्यूजिंग करने वाला है। तो आप सोचो यार जानवर भी देखो, मतलब दूसरे जानवर्स को कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से टेरिटरी मार्क करते हैं और रियल टेरिटरी कैसे मार्क करते हैं, ये मतलब बहुत ही एडवांस तरीका है यार, मतलब गजब दिमाग है उनमें भी। हो सकता है लैंग्वेज दूसरी है, उनकी लाइफस्टाइल दूसरी है जानवरों की, बट दिमाग तो उनमें भी तगड़ा है भाई। 30-35 किलोमीटर चलना और दो दो तीन तीन पहाड़ियाँ चढ़ना, वो भी कांटों से भरी हुई रास्ते बनाते हुए, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक एक स्टेप डेंजरस है, यहाँ से गिरे तो डायरेक्ट नीचे मिलोगे। चाचा फिर तो तुमको मोई चाचा इसी तत्ते बको तो इस पेड़ के टॉप पर शिकार मिल चुका है। अभी ये सिर्फ जगह बना रहे हैं लिटिल बिट, उसको तीर मार के जख्मी कर चुके हैं, मतलब वो ऊपर इधर उधर नहीं जा सकता। अब ये डायरेक्ट एरो मार के एरो मारेंगे, या देखो उधर एक बंदा उधर भी रेडी है, ये लोग कुछ ना कुछ उसको हिट करेंगे और फिनिश। बहुत मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना, देखो वो बंदा भी नहीं आ पा रहा अभी तक, पूरा डेंस है जंगल और यार कांटे हो रहे हैं, देखो जगह जगह ब्लड तो नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल है इधर पूरा, अंदर से भी मैं छिल गया था इसीलिए फिर ये जैकेट वैकेट मैंने डाला। यार यहाँ जो काटे हैं ना कई जहरीले होते हैं, तो कई बार चुप जाता है ना, तो मैं इनसे निकलने वाला प्रीफर करता हूँ, क्योंकि कई बार मान लो कोई जहरीला काटा निकल लगा यार मैंने निकाल लिया तो पता नहीं चलेगा कि मेरे को कुछ हो सकता है या नहीं। ये अगर कोई जहरीला काटा होगा ना तो इमिडिएटली ऐसे मेडिसिन ढूंढ के मुझे लगाएंगे। लेट्स गो। So finally भाई ने यार बुश बेबी का हंट कर लिया है, और ये सबसे डिफिकल्ट होता है क्योंकि साइज में छोटा होता है और ये बहुत तगड़ा जंप मारता है, जैसे कि लंगूर मारता है ना वैसे ही मारता है, लेकिन इसने वन एरो सीधा इसको स्ट्रेट मारा और इसका शिकार कर लिया। इसकी आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी है बुश बेबी की। और भाई ये है आज का हंटर, ये बंदा या ये दूसरे शिकार की तरफ इशारा कर रहा है क्योंकि वो लोग उधर भी स्ट्रगल कर रहे हैं उस शिकार को पकड़ने के लिए। और लाइव लाइव दिखाता हूँ मैं आपको, ये आ गया ये देखो ये एक और बुश बेबी जिसके पीछे ये बहुत टाइम से लगे हुए थे। बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ यार, ऐसी लाइव हंटिंग आपको देखने को बहुत ही रेयरली मिलती है, बहुत ही रेयर मिलती है। और इसने देखो इसका हंट कर लिया है। आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज जज मत करो किसी को, मतलब इनको भी इस चीज को देखकर जज मत करो, क्योंकि अगर हम हमारी भी पहले की जनरेशन की बात करें, सो मतलब 500 साल 1000 साल पहले तो हमारे लोग भी हंटिंग करते थे, इस ट्रूथ को हम डिनाई नहीं कर सकते। हंटिंग करते थे या रो फ्रूट्स वगैरह ये कलेक्ट करके खाते थे, जो भी चाइनीज फूड, ये फास्ट फूड, ये पिज्जा बर्गर, ये सब ह्यूमन जनरेशन ने इन्वेंशन किया इन सब चीज़ों का, तो उस टाइम नहीं था। तो ये लोग भी ये समझ लो कि उतना पीछे ही जी रहे हैं, और हंट करने के बाद में ये लोग देखो थोड़ा खुश हो चुके हैं। No, no, no.
Good. Yeah. अब इसकी स्माइल देखिए इस बंदे की, ये तभी आई है हंट करने के बाद में। So भाई हरजावे ट्राइब के साथ में हंट करते करते लगभग 2-3 घंटे के बाद में हम रुक चुके हैं, और ये बंदा है ना, इसको मैंने ऐसे फोन में फोटोज वगैरह देखना सिखा दिया, तो ये जितने मैं ट्रांसफर कर रहा था ना डेटा, आधा घंटा लग गया। इसको मैं ये सब दिखा रहा हूँ, इसका रिएक्शन दिखाता हूँ, देखो आइसक्रीम, देखो आइसक्रीम पे इसका रिएक्शन, ये एक आइसक्रीम है, इस पे इसका रिएक्शन। इसको मैं हिमाचल जब घूमा था ना, वहाँ के फोटो देख रहा, तो बर्फ बर्फ देख के दिमाग खराब हो रहा है इसका। अभी सेलिब्रेशन हो रहा है भाई हंटिंग के बाद में, जैसे ही बबून का हंटिंग हुई उसके बाद में ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। Yeah.